फूड पे घर भी बना रखे हैं यहाँ पे, तो यार कमाल है। 100 लोगों में से 2 लोग गांडू भी हो तो क्या है फिर, 98 लोग तो सही है। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फुट पैंट पहन के बढ़िया पोछा लगा रहा है देखो। ठीक है, ऐसे भर के जाते हैं कचरे की तरह, बेट बकरी की तरह यूपी बिहार में लोग। तो ये ऐसे उठाते हैं और अभी स्टेशन आने वाला है तो सभी को उठा रहे हैं। हर ये इंडियन को इंदू बोलते हैं यहाँ पे, इंदू इंडिया को। जूते रह गए थे यार, ये तो काम खराब हो जाता है अभी। जूते 3 बजे का टाइम हो गया पूरा, और इस सिटी में मैं अभी निकल जाऊँ ना तो मेरे को ये स्टोर खुला है अभी 3 बजे। दुकानदारों ने कुछ कई चीजें महंगी बेचने की कोशिश की, पर एक चीज की समस्या है यहाँ पे चाइना में, सिगरेट का धुआं साला आपको हर जगह मिलेगा। और चाइनीज लोग, मतलब देखो चाइनीज लोग का तरीका, बाइक पे ये कवर सा लगा लेते हैं, इससे ना तो सर्दी लगती है। जिनको इंग्लिश का ABC भी नहीं आता वो भी मतलब मदद करने की कोशिश करते हैं। उसमें तो दिखा रहा था स्लीपर, मुझे लगा कि स्लीपर है, पर ये तो ये है साली बैठने वाली है। चलो कोई नहीं, अब तो जो भी हो ले लिया पंगा, और अब तो ऐसे ही जाएंगे। काफी बड़ा है चाइना, तो अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ चोंकिंग यहाँ से ग्वांगजू से है लगभग 1400 किलोमीटर के करीब। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है ट्रेन में। देखो अभी ट्रेन शुरू हुई है और अभी से पहले मतलब पोछा मारना शुरू हो गए, फुट पैंट पहन के बढ़िया पोछा लगा रहा है देखो। चाइना की ट्रेन में भी खाना मिलता है, और अभी ले लिया मैंने ये 25 येन का फूड। ये पता नहीं मतलब क्या है, पर यहाँ पे ऐसे ही खाना पड़ेगा जो भी मिले, तो जो भी मिले मतलब खाना तो इतना बुरा तो नहीं होगा यहाँ पे। चू ची का नो स्पून, नो स्पून मयो मयो मयो। यहाँ पे चॉपस्टिक से ही खाना पड़ेगा। ओके सिसी सिसी, तो भी सो रहे हैं मतलब ऐसे ही सोना पड़ेगा यहाँ पे। तो चाइना में हूँ, चाइना में रेल की यात्रा कर रहा हूँ और चाइनीज ही खाना खा रहा हूँ यहाँ की, जो ट्रेन में मिलता है टिपिकल चाइनीज। और साला पता नहीं क्या है, मतलब जहाँ पे भी जाता हूँ वहीं का खाना सही लगने लग जाता है। जापान में था, जापान का सही लगने लग गया, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया का भी सही लगा, फिलीपींस में ट्राई किया फिलिपिनो फूड वो भी सही लगा, अब ये चाइना का भी मतलब मेरे को सही लग रहा है। तो नॉर्मल हो गया मेरे लिए मतलब खाना। वैसे मुझे पता नहीं है इसमें क्या है, कौन सा मीट है मुझे ये भी नहीं पता है, बकरा कबूतर चित्र क्या दे रखा है। तो ये ऐसे उठाते हैं और अभी स्टेशन आने वाला है तो सभी को उठा रहे हैं। हला 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 हला, तो ये मतलब सभी को उठा रहे हैं यहाँ पे गार्ड है और ऐसे ही उठाते हैं ये। तो यहाँ की ट्रेन तो मतलब ये मान लो 3 बजे से भी 10 मिनट पहले आ गई, जो टाइम था मतलब उससे भी 10 मिनट पहले है, तो लेट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और अभी मेरे को यहाँ से ट्रेन चेंज करनी है। जूते रह गए थे यार, ये तो काम खराब हो जाता है अभी, जूते रह गए थे मेरे यहाँ। तो अभी अपनी यहाँ से दूसरी ट्रेन जाएगी थोड़ी देर में, तो वो देखते हैं कितनी देर में चलेगी यहाँ से। चाइना के रेलवे स्टेशन पे भी दोनों जगह कैमरे हैं, देखो दोनों साइड कैमरे हैं, और ट्रेन में भी कैमरे हैं, ट्रेन में भी कोई हरकत नहीं कर सकता, ट्रेन में कैमरे हैं इसमें। और अभी मेरी आएगी दूसरी ट्रेन, आधे घंटे बाद आने वाली है वो, तो अभी थोड़ी देर का रेस्ट है। वैसे यहाँ पे ठंड है, चाइना में अच्छी खासी ठंड पड़ती है, बीजिंग में तो माइनस में जाता है टेम्परेचर, अभी मतलब माइनस में ही है फिलहाल, और यहाँ पे भी काफ़ी ठंड है, 8-8 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पे, खासी ठंड है। और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, और यहाँ पे एक खास बात हो रहा है, रेलवे लाइन है ना जो ये ऊपर बना रखी है पुल के ऊपर, अपने यहाँ पे तो इंडिया में तो पुल बनाते हैं ऊपर उतरने के लिए, और पुल पे चल के प्लेटफॉर्म पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे रेलवे लाइन ही ऊपर बना रखी है। और पूरे चाइना में हाई स्पीड ट्रैक है रेल के, मतलब हाई स्पीड है पूरे चाइना में, बुलेट ट्रेन है पूरे चाइना में। और अभी मैं 600 किलोमीटर आ गया हूँ 5-6 घंटे में ही, तो काफ़ी फास्ट थी ये ट्रेन भी, 10 बजे करीब थी, 9:30 बजे चली थी ये वहाँ से, और अभी बजे हैं 3 बजे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब ये मान लो ही 5.5 घंटे में 500-600 किलोमीटर आ गया हूँ, तो काफ़ी अच्छा स्पीड से चली ट्रेन। अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बजे का, पूरे 3 बज गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं एक छोटी सिटी में हूँ, ये तो इतनी बड़ी सिटी नहीं है, ये नाम तो है इसका
हांजेन ऐसा नाम है इसका। 3 बजे का टाइम हो गया पूरा, और इस सिटी में मैं अभी निकल जाऊँ ना तो मेरे को कोई मतलब कुछ नहीं कहेगा। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब काफ़ी सेफ है, और जगह जगह कैमराज है, मेरे पीछे भी कैमरा है, हर जगह एक कैमरा है। ये ग्वांगजू इतनी बड़ी सिटी नहीं है, बट ये भी अच्छी सिटी है यहाँ की। और अभी भी मतलब 3 बजे भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर ऐसे हैं जो पूरी रात खुले रहते हैं। देखो दिखाता हूँ मैं, ये स्टोर खुला है अभी 3 बजे, और वहाँ पे भी कई स्टोर है जो खुले हैं अभी 3 बजे। पर एक चीज़ की समस्या है यहाँ पे चाइना में, सिगरेट का धुआं साला आपको और जगह मिलेगा। और चाइनीज लोग मतलब देखो चाइनीज लोग का तरीका बाइक पे ही कवर सा लगा लेते हैं, इससे ना तो सर्दी लगती और ना ही बारिश लगती, तो ऐसे ये बाइक चलाते हैं यहाँ पे। देखो ये फिल्म सी लगा ली और अपना ऐसे चलाते हैं ये, और हाथों को भी बताते हैं, हाथों को मतलब इसमें डाल देंगे, जैसे इसमें हाथों को डाल देंगे देखो, तो हाथों को भी सर्दी नहीं लगती। और ये चाइनीज तरीका इनका ये बाइक चलाने का, टू व्हीलर को भी ऐसे चलाते हैं गाड़ी की तरह। यहाँ पे फेस स्कैन या आईडी स्कैन हुए बिना वो गेट भी नहीं खुलते, तो आईडी स्कैन करनी पड़ती है, पासपोर्ट हो या फिर टिकट हो उसका क्यूआर कोड स्कैन होगा यहाँ पे जब गेट खुलते हैं। और यहाँ पे जो मतलब ये टीटी होते हैं ट्रेन में, जैसे मेरे पीछे है, ये साफ सफाई भी करते हैं, अरे काम करते हैं ये, और उसके साथ में बढ़िया पेंट कोट में पहन के मतलब यहाँ पे झाड़ू पोता लगाते हैं और सारा कुछ करते हैं। और अभी ये मतलब वॉकी टॉकी से कनेक्टेड भी रहते हैं ये। अभी मैं जैसे पिछले डब्बे में था तो उन्होंने इसको बोल दिया कि एक टूरिस्ट आ रहा है, मतलब उसको सीट दिखाओ, तो ये सीट दिखाने आएंगे। तो काफी अच्छा है यार यहाँ पे भाई ना, में लोग तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो ये कह रहा है कि तुम यहाँ पे सो सकते हो, तो ये अच्छा है, सोने का मिल गया, अभी सोऊंगा यहाँ पे अच्छे से, खाली है पूरी ट्रेन। अब सीधी ट्रेन रुकेगी, ये चोंगचिन रुकेगी 1000 किलोमीटर चलने के बाद में, और ऐसे पिछले स्टॉप पे जहाँ पे अभी ट्रेन मैंने चेंज की है, यहाँ पे भी एक ही स्टॉप पे रुकी थी और यहीं पे मतलब मेरे को चेंज करनी थी ट्रेन, वो ट्रेन आई थिंक वो वुहान जा रही थी, वो वुहान चाइना में जहाँ से कोरोना फैला था, कहते हैं कि वहाँ से कोरोना फैला था। पर अभी मतलब ये है, ये ट्रेन है ये भी चोंगचिन जाएगी, आखिरी स्टेशन इसका मतलब चोंगचिन ही जाएगी, अभी सीधा चोंगचिन स्टॉप है इसका अगला, तो यहाँ पे ट्रेन के स्टॉप भी 800 किलोमीटर बाद होते हैं, बीच में कोई स्टॉप नहीं होता। और ट्रेन यहाँ की बिल्कुल ऑन टाइम है, मतलब कोई भी लेट नहीं है और बिल्कुल टाइम से चलती है। काश ऐसा सिस्टम अपने यहाँ पे हो यार हिंदुस्तान में, हो लोगों को सीट नहीं मिलती, कैसे भर के जाते हैं कचरे की तरह, बेड बकरी की तरह यूपी बिहार में लोग। और मैंने 15 मिनट पहले मतलब टिकट ली है, ये ट्रेन के चलने से 15-20 मिनट पहले ही मैंने टिकट ली थी, आपने सारा देख लिया होगा ग्वांगजू से जब मेरा मूड बना। और 1500 किलोमीटर की ट्रेन की सीट मिल गई मेरे को यार, देख लो कितनी खुली सीट है, सो के जाऊँगा अभी मैं तो। ऐसा सिस्टम काश अपने इंडिया में भी हो इतना डेवलप जो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ट्रेन लेट होती और सीट भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है, पॉपुलेशन यहाँ की भी कम नहीं है, इंडिया चाइना की बराबर ही है और चाइना की ही ज़्यादा थी कुछ टाइम पहले तो, पर यहाँ का सिस्टम बहुत डेवलप हो गया है, चाइना ने मतलब काफ़ी डेवलपमेंट करी है। और सेफ्टी का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, सेफ है कंट्री बिल्कुल, और ना ही लोगों के प्रति मतलब भेदभाव है, इनके इंडियन को हिंदू बोलते हैं यहाँ पे, हिंदू इंडिया को, और लोग बहुत प्यार से मतलब पेश आते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से, तो काफ़ी अच्छा है यार यहाँ पे, लोग अच्छे हैं चाइना के नो डाउट। और जिनको लैंग्वेज भी नहीं आती ना वो भी मदद करने की कोशिश करते हैं, जिनको लैंग्वेज नहीं आती, जिनको इंग्लिश का ABC भी नहीं आता वो भी मतलब मदद करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है मतलब लोग यार सही में। चाइना से अच्छे लोग नहीं देखे मैंने, 20-25 कंट्री घूम लिया हूँ मैं, चाइना से अच्छे लोग मैंने कहीं नहीं देखे, पर नॉर्मल लोग यहाँ के मेरे को बहुत बढ़िया लगे। पर एक दो वो चीज़ मेरे साथ में ऐसी हुई कि जहाँ पे मतलब मेरे को दुकानदारों ने कुछ कई चीज़ें महंगी बेचने की कोशिश की, पर वही है कि 100 लोगों में से 2 लोग गांडू भी हो तो क्या है फिर, 98 लोग तो सही है। बाकी मेरे साथ में मतलब ऐसा भी हुआ यहाँ पे, मैं एक रेस्टोरेंट में था, आपको मैंने बताया होगा मैं एक रेस्टोरेंट में था, मैं ऐसे ही मतलब पूछ रहा था ये क्या है ये क्या है, एक लड़का आया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, मतलब अपने लिए कुछ ले रहे थे वो, तो मेरे लिए भी पैक करवा दिया साथ के साथ ही, बोला कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है आपके लिए, और मैं फिर पैसे देने लगा कि मैंने इसने पैक तो करा दिया तो मैं ही देऊँ इसको पैसे, मैं उसको मतलब दुकानदार को पैसे देने लगा, पैसे नहीं देने दिए, और वो तो मतलब एक रैंडम आदमी था यार यहाँ का, तो रैंडम लोग भी यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए क्या करोगे, मतलब लोग यहाँ के जनरली बहुत अच्छे हैं यार, बहुत वेलकमिंग है, मतलब कम्युनिज्म है यहाँ पे,
तो कम्युनिटी मतलब बहुत तो सही है यार यहाँ की, बिल्कुल चाइना से अच्छे लोग कहीं नहीं देखे सच में, ये तो कहना पड़ेगा। तो सीट पे ठीक ठाक नींद आई और 4-5 घंटे सोया मैं बीच पे सीट पे। यहाँ पे मतलब मेरे को ये मिल रही है 3 वाली सीट है जो ये वाली, और यहाँ पे जगह जगह टनल बना रखी है पहाड़ों को काट के, तो मतलब इसलिए भी यहाँ पे काफ़ी देखो ये पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में से ट्रेन जा रही है, दूसरी तरफ भी पहाड़ है, ये टनल आ गई अभी तो यहाँ पे टनल बहुत बना रखी है, सुरंग के अंदर से चलती है ट्रेन, तो इसलिए डिस्टेंस भी इन्होंने काफ़ी कम कर दिया है पहाड़ों को काट काट के और बना दिया ट्रेन यहाँ की। और ऐसी ऐसी कई मतलब काफ़ी सारी टनल आ चुकी है, हज़ारों टनल आ चुकी है ऐसी ऐसी जैसी अभी ये चल रही है, वैसे ऐसे हजारों टनल जा चुकी है। ये देख लो चाइना के गांव, तो देख लो कितने बड़े बड़े पहाड़ है और सुरंग ही सुरंग बना रखी है यहाँ पे, मतलब एक के बाद एक सुरंग आ रही है और मोबाइल के नेटवर्क जा रहे हैं, अभी तो है फिलहाल नेटवर्क, इमरजेंसी कॉल आ गया लिखा हुआ, तो यहाँ पे सुरंग ही सुरंग बना रखी है। तो ये अब सुरंग चली गई, देखो पहाड़ देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और इनके बीच में से ट्रेन जा रही है, अब फिर सुरंग आएगी, ये आ गई। तो देख लो भाई कितनी मतलब साइड में नदी है और ऊपर ट्रेन चल रही है पहाड़ों के ऊपर, तो ये है मतलब यहाँ पे चाइना में, नीचे नदी दिख रही होगी आपको, पूरी टनल बना रखी है और मतलब ये मान लो कि रेलवे ट्रैक बना रखा है पहाड़ों पे, नीचे नदी है और अपना मतलब ये ऊपर पहाड़ों पे ट्रेन चल रही है, देखो गाड़ियाँ भी नीचे चल रही हैं यहाँ पे, रेलवे लाइन ऊपर बना रखी है ब्रिज पे, तो सुरंग ही सुरंग है भाई, पागल कर दिया मतलब, नेटवर्क नहीं आ रहे फ़ोन में बिल्कुल भी, ना ही कॉल आ रही एक भी इंडिया से, और मेरा इंटरनेशनल रिचार्ज भी रहता है जब भी मैं मतलब आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ, आउट ऑफ इंडिया, तो कोई कॉल नहीं आ रही साड़ा, ये है सुरंग ही सुरंग आ रही है। तो अभी जाते टाइम मतलब मेरे को जब भी अभी कजाकिस्तान जाना है तो फिर वो ही लूँगा मैं, फ़्लाइट ही लूँगा यार, क्योंकि ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा मतलब ट्रेन में तो साड़ा ना नेटवर्क है ना कुछ है, और 48 घंटे का सफ़र हो जाएगा, उरम को भी पड़ती है कि यहाँ पे जगह चाइना में, तो 48 घंटे का रास्ता होगा चोंकिंग से, और काफ़ी परेशान हो जाऊँगा बिना नेटवर्क के, तो 2 दिन मतलब कॉल ही नहीं आ पाएंगे। अभी देखो अभी हुई है सुरंग ख़त्म, और देखो ये है अभी 2 मिनट में फिर आ जाएगी, तो 1-2 मिनट तो मतलब ज़्यादा टाइम सुरंग में रहती है और कम टाइम बाहर निकलती है, तो इससे अच्छा तो ये है कि 4 घंटे के लिए मतलब फ़्लाइट में बैठो और अपना बिल्कुल फ़्लाइट मोड पर लगा दूँ फ़ोन, 4 घंटे के लिए आराम से पहुंच जाऊंगा। तो पुल पे घर भी बना रखे हैं यहाँ पे, तो यार कमाल है कैसे कैसे क्या बना रखा है। तो यहाँ वैसे चार्जर नहीं होते, चार्जिंग के मतलब पहुंच नहीं है ट्रेन में, बट स्टिल इन्होंने मेरा फ़ोन चार्ज करके दे दिया गार्ड ने, तो उसके मतलब कैबिन में लगा दिया था, तो लोग यहाँ के काफ़ी बढ़िया यार, गार्ड की सभी मतलब मदद करते हैं, तो चाइना में ट्रैवल करना ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पर देखो लैंग्वेज की तो समस्या है और ऐप्स नहीं चलते यहाँ पर, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम गूगल मैप्स कुछ भी नहीं है, मतलब गूगल का तो नाम और निशान भी नहीं है, ना ही यूट्यूब है यहाँ पे, बाकी लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, तो उसी हिसाब से मतलब और सेफ कंट्री है, तो उसी हिसाब से ट्रैवल करना ईजी है, बाकी लैंग्वेज की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो यहाँ की जो ट्रेन चलती है ना वो ज़मीन पर नहीं चलती, पुल पर चलती है, जितनी भी रेलवे लाइन है चाइना में पुल पर है, और कहीं पे भी फाटक नहीं है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जैसे अपने यहाँ पे मतलब ज़मीन पे चलती है इंडिया में ट्रेन, तो फाटक लगानी पड़ती है, कोई आगे आ जाए कोई मर जाए कट जाए, यहाँ पे वो चक्कर है ही नहीं, यहाँ पे ब्रिज बना रखे हैं और उस पर मतलब पुल के ऊपर ही चलती है ट्रेन। अपने इंडिया में होता है कि ट्रेन नीचे चलती है ऊपर से ब्रिज बना देते हैं, गाड़ियाँ ऊपर से निकल जाती है, यहाँ पर मतलब ट्रेन ही ऊपर से बना रखी है, रेलवे लाइन ही ऊपर है इनकी, तो ये फ़र्क है, और पूरा चाइना इसको फास्ट ट्रेन से कनेक्टेड है, बुलेट ट्रेन से ऐसे से कनेक्टेड है, इस रूट पे मतलब मेरी ये काफ़ी लंबा रूट था, तो इस पे मतलब मेरे को डबल चेंज करनी पड़ेगी, और रात को ही ले ली मैंने ट्रेन, तो इसलिए मैं इसमें मतलब बुलेट ट्रेन थी रात को अवेलेबल, तो फिर मैं इसी नॉर्मल ट्रेन से आया, नॉर्मल ट्रेन ने भी मतलब ठीक टाइम पर पहुँचा दिया, और बिल्कुल टाइमिंग पर ही होते हैं यहाँ पे ट्रेन। तो यहाँ पर देखो ये टिकट स्कैन करनी पड़ती है, टिकट है क्यू आर कोड स्कैन होगा, ये जब गेट खुलेगा, मेरा टिकट चेक इन फेल हो गया, मेरा हो गया टिकट से चेक इन फेल, तो अभी देखते हैं जब निकलना पड़ेगा, और काफ़ी बड़ी सीट है यार ये चाइना की, चाइना की सिटी बहुत बड़ी बड़ी है,
चोंकिंग, गुआंगजू, बीजिंग, शंघाई, ये मतलब टॉप के शहर है यहाँ के।